सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, ये वही प्लॉट है, ये वही घर है जिस परिवार ने प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के भवन के लिए दिया है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उस परिवार का भी जिसने इतना बड़ा फैसला लिया है। ये परमेश्वर ही है जो अपने मनों में डालता है, क्योंकि चमत्कार ही इतना बड़ा हुआ उनके जीवन में। और उससे पहले ही उन्होंने ठान लिया था कि ऊपर का छत है, का पोर्शन है कि परमेश्वर यहाँ पर भवन बनाए और यहाँ पर लोग आ सके। ये अभी आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये मिनिमम मतलब एक 60 गज का है, आगे तक जाएगा। तो बहुत बड़ा परमेश्वर ने चमत्कार करा इस परिवार में। और आप देख सकते हैं जब ये पूरा हॉल बन जाएगा तो अच्छी खासी गैदरिंग यहाँ पे आ सकती है। और ये MP के इंदौर में है, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो टाइम दिया है उस टाइम के अनुसार बने। 1 मई से इसका काम स्टार्ट होगा। आपको प्रार्थना के साथ साथ अपने दान ऑफरिंग इस भवन के लिए देने हैं। ये मत सोचना कि हम इसमें जाए ना जाए, बल्कि ये सोचना कि परमेश्वर का भवन है, ये बनना चाहिए और बनेगा भी। तो प्रभु आपको आशीष दे, देने वालों को, प्रार्थना करने वालों को प्रभु बढ़ाए। जब बनेगा तो मिलकर इसका धन्यवाद करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मेरे दोस्तों, शुरू में एक वीडियो देखी होगी आपने, बिल्कुल ये वही भवन है जो परमेश्वर के लिए तैयार होगा 1 मई से। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और आप सभी का कि आपने दिल खोल कर परमेश्वर के आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते रहोगे जब तक भवन तैयार नहीं होगा। बहुत कुछ आज कहने के लिए, पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना ताकि हम इस पापी मनुष्य को अपने चुना ताकि हम आपके भवन को तैयार कर सके। हमारी कोई लागत ताकत को बत नहीं पीता, सब कुछ आप हो, आपका अनुग्रह है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आनंद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे बोलने में तेरा पैरों यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस बोझ को अपने पे लिया और परमेश्वर के भवन बनाने में काम में लग गए। हालेलुया। मेरे अजीज, तो मैं 8 दिन से इंदौर में था, काफ़ी वीडियो आपको अलग अलग चैनल पर आने वाली है इंदौर से। इस बार इंदौर का जो टूर था छुटकारे का, तो परमेश्वर ने वाक्य में अद्भुत, जिसे कहते हैं ना अद्भुत छुटकारा दिया। अभी भवन तैयार नहीं हुआ है, सिर्फ नींव रखी गई है, यानी कि 1 तारीख से उसका बयाना दिया गया है। और परमेश्वर ने वहाँ पे MP में परमेश्वर के डंके बजा दिए, अद्भुत जिसे कहते हैं। भवन बनने से पहले हाउसफुल हुआ है वो, यानी कि इतने लोग हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अद्भुत जगह कम पड़ जाएगी। और एक भवन नहीं, अभी तो प्रभु ने मुझसे कहा कि बेटा भवन की शुरुआत है। रांची में तंबू का भवन खड़ा करा, इंदौर में ये, अभी बहुत सारी जगह परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है और आपकी दुआ है। मेरे अजीज, तो आपने देखा शुरू में वीडियो, छोटा सा क्लिप, बिल्कुल जब बनेगा तो काफी लोगों की जगह हो जाएगी। 100-150 लोग एक जगह बैठेंगे तो शिफ्ट लगना शुरू हो जाएगी। MP में परमेश्वर की उपस्थिति आ चुकी है। प्रभु ने कहा मैं पंजाब पार्ट 2 कर दूंगा MP को, हालेलुया। और ऐसा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। ये सब आपका प्रेम है, आपका प्रार्थना का नतीजा है, आपका प्रतिफल है। मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस भवन को परमेश्वर का भवन समझकर और अपनी संपत्ति बेचकर, अपनी निजी चीज बेचकर इस भवन के लिए दिया। बेशक इस भवन में लोग वो कोशिश नहीं कर पाए आने के लिए, मैंने कहा आएंगे नहीं, दूर दूर से लोग आएंगे, लेकिन बिना देखे बिना सोचे परमेश्वर पर विश्वास करके कितने लोगों ने सोना बेच बेच कर, संपत्ति बेच बेच कर ये भवन के लिए दे रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी। मेरे जब ये भवन का स्टार्टिंग में हमने जब उसका पूछा था जो बनाने वाले से, तो शुरू में जो था 7 लाख था, लेकिन अब जो मैं गया और पूरा बनाया, पूरा 3 मंजिल बनेगा, बड़ा अच्छा बनेगा है ना, और सब कुछ अच्छा सामान लगेगा, तो इसका 16.5 लाख आया है। लेकिन सिर्फ बनने का ऊपर से 4 लाख और जो उसका पूरा भवन का तैयार है, यानी कि 20 लाख का खर्चा आ चुका है। परमेश्वर मुझे देख रहा था कि मैं हां करता नहीं। मैंने कहा परमेश्वर तू जानता है, तेरा दास खड़ा है, हालेलुया। मैंने हां कर दिया और वो पहला बयाना दे दिया, हालेलुया। और 1 मई से काम स्टार्ट होगा। अब आपकी बारी है। मैं फिर कहता हूं, जो लोग अपना सब कुछ बेचकर, जो लोग अपना निजी जीवन बेचकर परमेश्वर भवन के दे रहे, आज खुदा ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, लाइफ टाइम की भविष्यवाणी है आप और आप संतान के लिए। मेरे अजीज, तो भवन बड़ा है, परमेश्वर खड़ा है और बिल्कुल साफ दिखाता है, बहुत लोगों का चमत्कार है। आप MP में हो, आप कहीं भी हो, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो, इस भवन के लिए बोझ उठाओ कि नहीं मुझे तैयार करना है। डिमांड नहीं है कि कितना देना है, बस ये सोचो कि अधिक से अधिक देना है। जिसपे नहीं है, अगर वो कम दे रहा है जायज़ है, जिसपे है वो कम दे रहा है वो गलत है। सब कुछ परमेश्वर का है। आज प्रभु ने मौका दिया है मुझे और आपको, हम क्या दे सकते हैं।
और उन्हें आपको ब्लेस करा है गवर्नमेंट जॉब से, अच्छे बिजनेस से, अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी से, अच्छे घर से। अब वो ब्लेस क्यों है? ताकि आपकी ब्लेसिंग भवन में काम आ सके। तेरा मेरा भवन नहीं होता, परमेश्वर का भवन होता है। और परमेश्वर वादा करा है, आप दोनों हाथ खोल के दोगे परमेश्वर क्या करने वाला है। मेरे से तो 20 लाख का खर्चा है, एक जना भी दे सकता है। एलिया के लिए तो कौवे ने खाना देना शुरू किया था, लेकिन परमेश्वर चुनता है मनुष्य को। वो मृत मरी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा एक जना दे सकता है, वो दिलाने देंगे। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप क्या दे रहे हो? देर नहीं करना, क्योंकि अब देर नहीं है। अभी देर जल्दी जल्दी उनको पेमेंट करनी है, ताकि वहां पे कोई घटी ना हो सके, काम रुक ना जाए। अभी आपको सीरियस रहना है, परमेश्वर ने कहा उनको बोलना है, और मैंने प्रभु की हजूरी में आके आपको बोला है। मैं 8 दिन दूर में था, परमेश्वर ने बहुत बड़े काम करे। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, पिता मैं जानता हूँ ये भवन तेरा है, रुकावट नहीं है। और जो लोग अपने मन में ठान चुके देने के लिए, वो देंगे पिता, चाहे वो पूरी तनख्वाह हो, चाहे आमदनी हो, चाहे वो सामान बेच कर हो और दे भी रहे, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे बोलने में इस वचन के द्वारा तेरी उपस्थिति दिखे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं इंदौर गया, वहां के लोगों ने भी अपना सोना बेचकर परमेश्वर के भवन में लगाना शुरू कर दिया। यानी कि तन मन धन से सेवा में लग गए। असम से ऐसा हो रहा है, बहुत जगह ऐसा हो रहा है। अब आपकी बारी है, परमेश्वर देख रहा है मेरे से, कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा। ये परम प्रधान का भवन है, परमेश्वर आपको परख रहा है। समय आ चुका है परमेश्वर को दिखाने के लिए, परमेश्वर को कि हम कितना प्रेम करते, मुंह से प्रेम नहीं, कर्म से प्रेम। हालेलुया। वचन कहता है मिला के 3:10 में लिखा है, सारे दशमांश भंडा में ले आओ। यकीन मानना, परमेश्वर ने जो हमें दशमांश देता हो ना, अभी सब जगह रोक कर परमेश्वर ने इस भवन में कहा, इस भवन में देना है अपना दशमांश। हालेलुया। दशमांश का प्रचार नहीं करता, पता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि अभी इस भवन की सोचना, जब तक बन ना जाए, जब तक ये खड़ा ना हो जाए, जब तक परमेश्वर जो ठाना है वो कर ना दे, हमें और आपको एक हो जाना है। इस भवन के लिए अपने दशमांश को भेजना है, अपनी ऑफरिंग, अपने 100% जो भी हो सके, आपसे जितना भी हो सके भेजना है। और जब इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा कि भवन निर्माण पूरा बनने के बाद तैयार हो जाए, उसके बाद भी बचे रहे, तो मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा कि बस अब रोक देना दान, अब बहुत हो चुका है। हालेलुया। और कोई एक जना भी ऐसा आ जाए कि वो कहे भाई मैं पूरा खर्चा दे रहा हूं, तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, भाई एक जना को परमेश्वर ने कहा अब रुक जाओ, क्योंकि जो परमेश्वर का मैं वही बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं। क्या लिखा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना के यहोवा यूं कहता कि ऐसा करके मुझे परखो। आज परखना है परमेश्वर को, आप परखो परमेश्वर को, करो ये वाला वचन डिक्लेयर अपने पे, तेरे भवन के लिए दे रही है प्रभु, तेरे भवन के लिए दे रहा हूं। क्या कहता है? परखो कि मैं आकाश के झिड़क तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परखो, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना करेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेना के यहोवा का यही वचन है। लोग अपना काम छोड़ छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लोग अपना दुकान बंद कर सब कुछ बेचकर परमेश्वर की भवन के लिए दे रहे हैं। परमेश्वर ने कहा परख के देखो, हमारी और आपकी मुठ्ठियां छोटी है, लेकिन परमेश्वर की मुठ्ठियां बड़ी है। कहता है तेरा चित्र मैंने हथेली पर खोद के बना है। अगर हर एक इंसान का चित्र बना हुआ है तो हथेली कितनी बड़ी हो गई, वह आकाश के झिड़के। अगर चाहते हो परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवन में आना, तो देर नहीं करना है, टाइम नहीं रहा है। आप सब कुछ भूल कर बस एक ही बात ठान लो, ये भवन को बनाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें और आपको एक होना है। अगर तैयार करते हो तो वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, और अकाउंट नंबर गूगल पे आकर पहले से आपके पास है, तो देर नहीं करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, वाक्य में तुम महान परमेश्वर, बड़े काम करने वाला। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस पापी मनुष्य को चुनकर अपने भवन के लिए निर्माण किया पिता। और ये दूसरा भवन है जब आपने मुझे चुना है, और आपने कही तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बाकी है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद कि लोगों को तैयार करने के लिए, तेरे वो लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे भवन से, तेरे दास से प्रेम करते हैं, जो कह रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, जब कुछ भी हो जाए ये भवन बनेगा तो बनेगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ लोगों को चुनने के लिए और उनको डबल आशीष देने के लिए। मैं जानता हूँ पिता वो अपने जीवन भर के आशीष को बटोर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता हर रुकावट, हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करना। जो जो भवन के लिए खड़ा है
पिता वो जीवन भर तेरी भलाई देखेगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ। पिता अपने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका ये जिनके द्वारा ये भवन बन रहा है पिता, उनको तू ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, और जिसने दिया है पिता वो बहुत भरपूरी का आत्मा से अपने जीवन में आशीष देखेगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ। उस परिवार के लिए पिता जिसने अपना भवन अपने मकान को भवन के लिए दे दिया, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना बेच बेच कर सोना चांदी अपना सब कुछ तेरे भवन के लिए दिया है, तो उनको बहुत पैसे देने वाला है, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। और वो आपसे प्रेम करता है, प्रकट करता है कि यह हुआ कैसा भला है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।